हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी, जय माता दी, जय भोलेनाथ की। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एसटी मिश्रा पुखनायम लक्ष्म का ढेर सारा तहे दिल से वेलकम है। नाइट का टाइम है फ्रेंड्स, और मैं नाइट के टाइम ही अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और सारा काम हो चुका है और खाना वगैरह सारा कुछ चला गया है, ये लेने ये वाला ले के गए हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया था ना कि वो मतलब मैंने एक दवा ली थी, तो वो ये दवा थी। इसमें कोई नाम वगैरह कुछ नहीं है, देखो आप लोग, ये वाली वो दवा है, दिख रही है आपको? तो ये वाली वो दवा है, इसमें मैंने खोल के रखना है, लेकिन मैंने खोल के रखी है ना, तो इसमें छिपकलियां भागी है ना, कोई छिपकली नहीं भागी, कोई मच्छर नहीं भागे हैं, फालतू का ये है। लेकिन 10 रुपए है कोई, चलो ये है, 10 रुपए में कुछ जाता वाता कुछ नहीं है, है ना, रख दो फ्रेंड्स। तो मैंने ट्राई किया था, मैंने सोचा ले लेते हैं, देखते हैं अगर कुछ अच्छा होगा तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसमें नाम वगैरह कुछ नहीं है। और हैप्पी, देखो मेरी ने चोटी की है, मैंने इसको बोला कि हैप्पी अपनी चोटी करा लो, नहीं लोग कहेंगे अपना देखो सदस के बैठी है, अब विद्या रानी देखो कैसे पागल तरीके बैठा ले हैं। और फ्रेंड्स, हैप्पी मेरी कुछ सुनाना चाहती है, क्या सुनाओगी हैप्पी? अच्छे से एक्शन तो मारो, ये दुनिया नहीं अभी नहीं मारा है, ये दुनिया मजाक बना सकती है, तुम्हारे घर की रोटी नहीं। तो सही बात है फ्रेंड्स, अगर लाज शर्म के चक्कर में रहोगे तो भूखे ही मरोगे, है ना। दुनिया तो मजाक बनाने में बैठी है, तो इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आज हमारे घर में रोटी नहीं है, खाने खाने को नहीं है, तो कोई देने नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। तो इससे बढ़िया आप अपना खुद अपने पैर खड़े होइए, आपको जो मन है, हाँ गलत मत करिए, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो करिए, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, हैं। तो बस वही मैं कहूँगी। और ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो ब्लॉग में मेरे एंड तक बने रहिए। स्टार्ट किया है नाइट में, और काम करूँगी, मैं काम करूँगी, पता नहीं क्या था, काम करूँगी और काम तो मेरा वैसे हो ही गया है, तो मैंने दिखाया नहीं है। गाँव चली गई थी, वहाँ से थोड़ा लेट आई थी फ्रेंड्स, इस वजह से जल्दी के चक्कर में जल्दी किया, तो जल्दी गांव गई, फिर वहां से लौट के आई। तो मिलते हैं, बने रहना मेरे ब्लॉग में, ठीक है। अब मैं रेडी वेडी हुई थी रील्स शॉर्ट बनाने के लिए, तो के बाल देखो। मेरे हेयर देखो मुझे अच्छी लगती है ना, काले क्या पतली कमर लंबे बाल तो ये वाली रील्स में मुझे, तो फ्रेंड चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, ठीक है, बने रहना। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हो गई थी मॉर्निंग, मतलब नेक्स्ट डे है। और वैसे सुबह बहुत सारे आज मतलब दिन है, वो है संडे, ठीक है, संडे का दिन है। तो मैं नहा धो चुकी हूँ और सारा काम मेरा क्लीनिंग का हो गया था, तो वो मैंने स्किप कर दिया है, दिखाया नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग इतनी ज़्यादा जल्दी थी। और ये मैंने गेहूँ वॉश भी कर दिए थे, गेहूँ वॉश करके मैंने फैला भी दिए थे, हल्के फुल्के ये सूख भी गए हैं, ठीक है। और तो इसमें मैंने दोबारा हाथ लगा दिया ताकि मतलब जल्दी से सूख जाएँ। धूप काफ़ी अच्छी खासी निकली है, और यहाँ पर मुझे मतलब देख लो आप लोग, बादल देख लो कितना बढ़िया मतलब मौसम हो गया है बिल्कुल। और 8 बजे का टाइम है, और यहाँ पर कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, आपको पता ही है, साड़ी मतलब वैसे नहीं, साड़ी वगैरह रील्स वगैरह शॉर्ट वगैरह मैं बनाती हूँ, तो फिर पता नहीं फ्रेंड्स मैंने पहनी थी, तो फिर मुझे यही लगता है, जबकि कहीं गई नहीं थी पहन के, लेकिन मैंने वॉश कर दी है इनको। और इनके कपड़े हैं हैप्पी की यूनिफॉर्म वगैरह है, डेली वाले कपड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा कपड़े भी हो गए थे। हवा इतनी ज़्यादा मतलब तेज़ चल रही है, इतनी ज़्यादा कि आप लोग साड़ियाँ उड़ रही हैं, समझ सकते हो कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। तो मैं चिमटियाँ लगाती जा रही थी कि मतलब साड़ियाँ गिरे ना, कपड़े वगैरह मतलब कहीं गिरे ना, तो फैलाती जा रही थी, चिमटियाँ लगाती जा रही थी, वीडियो कर रही हैं, वो हैप्पी शूट कर रही हैं, और हिला डुला भी काफ़ी रही हैं। तो फ्रेंड्स बस हमारे जो गेहूं हैं वो बस दुआ करूंगी कि भगवान धूप निकली रहे, तो ताकि हमारे गेहूं हैं जो वो सूख जाएं। और आटा हमारा थोड़ा सा बचा है, तो इसको ना वो फटकना भी है, गेहूं को इसको साफ़ करना है, फिर हमें पिसवाना भी है, और उतना ही पिसवाऊंगी क्योंकि बारिश के टाइम कीड़े वीड़े बहुत हो जाते हैं आटा में, तो उतना ही पिसवा के रखूँगी जितना हमारा आटा खप जाए, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कपड़े हैं वो हमारे फैल चुके हैं, ठीक है, अब चलते हैं नीचे, तो नीचे का दिखाएंगे आपको। सो फ्रेंड इसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे, तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, ठीक है। और मतलब आज के नाश्ते में कुछ समझ नहीं आया, तो मतलब हट के मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था, सिर्फ ट्राई किया था, ये जो पोहा था और ये थोड़ा सा मतलब
जो पापड़ी आती है नमकीन बनाने के लिए, मैंने इसको सारा भून लिया था, थोड़ी सी मसूर वो थी, मतलब मैंने नमकीन बनाई थी आपको बता दूं, और वो नमकीन रखे रखे पता नहीं अजीब टाइप में हो गई, तो मैंने उसको ना कढ़ाई में इस तरीके से कुछ थोड़ी सी मिर्च वगैरह डाल के इसको अच्छे से थोड़ा ऑयल डाल के इसको मतलब मैंने अच्छे से वो कर लिया है, तो अब ये खाने में भी टेस्टी लग रही है, और वरना ऐसे रखे रखे ख़राब हो जाती है। हैप्पी को खाने का ये मन नहीं, तो हैप्पी के लिए मैंने दो तीन निकाल दिए हैं, जी क्या बोलते हैं इसको, पाव। पाव पाव निकाल दिए हैं, तो हैप्पी हमको बताती जा रही है, मैं तो नाम भूल गई थी। सो फ्रेंड, चाय नाश्ता करने के बाद यहाँ पे सब्जी कट हो गई है ना, तो आज मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, आलू है और ये गोभी है, बैंगन है, सारा मिक्स वेज मान लो आप लोग, तो बस वही सब्जी मैंने कट की है। इसकी मैं रेसिपी वगैरह कुछ शेयर नहीं करूँगी, सिर्फ कट कर दिए यही मैं दिखा रही हूँ कि मैं इसकी आज सब्जी बनाने वाली हूँ, तो सभी को बनानी आती है, उसमें कोई बताना जताना है नहीं, है ना, सबको ही अच्छे से, काफ़ी लोग अच्छे अच्छे से बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। सो फ्रेंड्स चलो बना लेते हैं, मैं खाना मतलब खाना बना के मिलती हूँ आपसे। इसके बाद ना यहाँ पे हो गई थी दोपहर, दोपहर को देखो मैं रोड दिखा रही हूँ आपको, ये रोड हमारा बना था दिसंबर के महीने में, इसी मतलब इसी दिसंबर को, और इतना बुरा हाल हो रखा है, मतलब अभी कितना टाइम हुआ, सिर्फ 6 मंथ हुए हैं, और नहीं सॉरी 6 नहीं मतलब हाँ हो गए 9 महीने मान लो आप, तो ये रोड का इतना बुरा हाल हो गया है, अभी मैंने आपको दिखाया नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगी, इतना मतलब बुरा पूरा तरीके से फूट गया है, देखो आप लोग इधर साइड बहुत बेकार हो गया, पानी भर जाता है इस वजह से, पूरा रोड है वो ख़राब हो चुका है, तो बड़ी दिक्कत होती है गाड़ी वाड़ी निकलने में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, अगर दो गाड़ी एक साथ निकले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो फ्रेंड्स हैप्पी देखो कुछ लेके आई हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने हैप्पी को क्या क्या मंगवाया था, ठीक। सो फ्रेंड्स हैप्पी लेके आई थी मैगी की पैकेट, तो मैगी मैंने बना दी है, इसका मैंने कोई सूट नहीं किया, सिर्फ एक मैगी मैंने बनाई थी, और देख लो आप लोग इसने थोड़ी सी खा भी ली है, इसमें से जितनी बची है मैं उसके बाद आपको दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद इन्होंने लिए थे समोसे लेके आई थी, हैप्पी कोल्ड ड्रिंक लेके आई थी, और काफ़ी ज़्यादा जीभ चटोरी हो गई है हैप्पी की, है ना, हैप्पी की और मम्मा की दोनों के नाम हो जाता है हैप्पी का, खा लेती हैं मम्मा, क्यों हैप्पी यही बोलती हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो का भी मुझे यहीं पे एंड करना है, ठीक है, वीडियो किसी भी रीजन से आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पे जो भी भाई बहन हमारे न्यू आते हो तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मैंने बाय बाय तो बोल ही दिया, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।